ऑल न्यू क्लासिक 350 का ये नया कलर देख सकते हैं, टॉप वेरिएंट जो कि आपको क्रोम एडिशन के साथ मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको स्टेल्थ ब्लैक भी देखने को मिल जाएगी। तो नए कलर ऑप्शन में क्या कुछ चेंजेस किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं, नई कलर ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे LED हेड लैंप सेटअप भी यहाँ पे दिया गया है। और ये छोटा सा वीडियो इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे बता सके क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ट्विन आपको ट्विन पायलट लैंप मिल जाता है, LED हेड लैंप सेटअप भी दिया गया है। और पहले जो 450 cc सेगमेंट में मोटरसाइकिल आती है रॉयल एनफील्ड की, वैसे यहाँ पे LED हेड लैंप सेटअप दिया गया है। और बाकी यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट भी आपको यहाँ पे LED के साथ मिल जाएगा, जो कि इसके टॉप वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगा, बेस मॉडल में आपको स्टैंडर्ड तौर पर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो मीटर कंसोल है यहाँ पे भी गियर पुश से इंडिकेटर ने यहाँ पे ऐड की गई है। बाकी जो मीटर कंसोल है पहले तरह है, ट्रिपल नेविगेशन आपको केवल इसके टॉप टू वेरिएंट मिलेगा, बेस वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड तौर पे ट्रिपल नेविगेशन नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे गियर पुश से इंडिकेटर देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्विचेस आपको पहले की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे स्विचेस में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि आपको टाइप सी पोर्ट आप देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक नया चीज़। बाकी जो पेंट स्कीम है आप देख सकते हैं, ग्लॉसी पेंट स्कीम मिल जाता है और क्रोम एडिशन टॉप वेरिएंट है, तो ओवरऑल इसकी जो लुक है देख सकते हैं। बाकी जो सीट है वो आप देख सकते हैं, कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। और साइड में देखेंगे तो नया आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाता है, क्लासिक 350 का क्रोम फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंजन आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिल जाता है, बाकी 5-speed गियर बॉक्स मिल जाएगा। इंजन आपको वही मिलते हैं जो J-series मिलता है, 349 cc के साथ मिलता है, जो कि एयर ऑयल कूलिंग के साथ मिल जाती है। 20.2 bhp का पावर और 27 nm का टॉर्क जन करती है, तो पावर स्पेक्स आपको पहले की तरह देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो रियर से लुक है ये भी देख सकते हैं, और इसकी जो टेलिंग की डिज़ाइन देख सकते हैं, इंडिकेटर यहाँ पे भी आपको LED के साथ मिल जाती है। बाकी जो सस्पेंशन सेटअप है वो देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट के साइड यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, और रियर की साइड आपको ट्यून ट्यूब इमिशन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे इसे पकड़ने के लिए भी आपको मिल जाता है पिलियन राइडर के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो टायर साइज़ है वो भी आपको पहले की तरह मिलेगी, जो कि आपको 100x90 का 19 inch के टायर्स दिए गए हैं। और ये वेरिएंट जो टॉप वेरिएंट है आपको यहाँ पे स्पोक व्हील के साथ मिल रही है। और रियर के साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर के साइड देखेंगे तो 120x80 का यहाँ पे 18 inch के टायर्स मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे 300 mm का डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम देख सकते हैं, बायब्रेक यहाँ पे कैलिपर्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे रियर के साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और इस वेरिएंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम के एग्जॉस्ट सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इस साइड से भी इसकी जो कलर ग्राफिक्स है नई वेरिएंट का, नई कलर ग्राफिक्स दे सकते हैं। टैंक के ऊपर इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीनिश टाइप मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे गोल्डन फिनिश ऐसे दी गई है। और बाकी यहाँ पे ऊपर से जो हैंडल बार्स है वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो मिरर्स मिलेगा आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिल जाता है मिरर्स। और इसके अलावा जो डायमेंशंस है वो भी आपको पहले की तरह देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे 170 mm तक ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट की हाइट यहाँ पे 805 mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 kg दी गई है, बाकी जो इसका वेट है 195 kg तक है। बाकी यहाँ पे LED हेड लैंप के साथ आपको यहाँ पे LED इंडिकेट, बाकी यहाँ पे LED हेड लैंप सेटअप देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पायलट लैंप LED मिल जाता है। तो जितने भी चेंजेस हुए मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो प्राइसिंग है ये टॉप और एंड है 230,000 यानी 230,000 रुपये तक। टैक्स शोरूम इसकी प्राइस रखी गई है, जो कि ऑन रोड प्राइस 285,000 के आसपास चली जाती है। बाकी जो इसका राइड रिव्यू है वो भी आपको चैनल पे जल्दी देखने को मिल जाएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आपको सुना देते हैं। तो इनिशियल स्टेज में इसका साउंड सुन सकते हैं, बाकी इसमें रेस देते हैं। इसमें इसकी एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।